Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 9th May and today is Monday. Cover करेंगे हम Daily Economic Times को. बाकी इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो अगेन आप Telegram ग्रुप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है. उसके अंदर आपको इस तरीके से ये PDF मिल जाएगी. और अगर आप न्यू ज्वाइन करते हैं तो ये जो पिंड मैसेज होते हैं इसके अंदर आपको ये मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बाकी इसके अलावा मेरे को एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करनी है. ये सुरेश कुमार जी मैसेज डालते हैं ग्रुप के ऊपर, ये कुछ कोर्सेज से रिलेटेड. अब इसके अंदर मेरा कोई भी मॉनेटरी या अदरवाइज बेनिफिट नहीं है. मैंने नहीं इनको परमिट भी नहीं किया, मना भी नहीं, कुछ भी नहीं किया. बट सिंस ये ग्रुप है तो ये सेंड कर पा रहे हैं इसके अंदर मैसेजेस, और मैंने भी इनसे पर्सनली बात की है तो ये फ्रॉड नहीं है, मतलब इनका स्कैम नहीं कर रहे हैं. अगर आपको कोई सही में इंटरेस्टेड है तो आप ले भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हटा दूँ इनको ग्रुप से, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल टाइम्स मेरे को क्वेरीज आई हैं टेलीग्राम के ऊपर ही, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ यूट्यूब की वीडियो के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि हटा दूँ मैं इनको तो मैं हटा भी सकता हूँ. मतलब मेरे तो एक उस पर हट जाएगा, रिपोर्ट करना है बस मुझे. तो आप बता सकते हैं, हम नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. आगे चलते हैं, इंडियन चैंपियंस लीग. तो फर्स्ट पेज पे आज जो है पूरा, मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक टाइम्स जो हमने पेपर पढ़ रहे हैं इसका एक अवार्ड शो है, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स फॉर कॉरपोरेट एक्सेलेंस. जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का भी स्टार्टअप अवार्ड्स हुआ था, इसी तरीके से कॉरपोरेट एक्सेलेंस है. ये एस्टैब्लिश्ड और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कैटेगरीज के अंदर अवार्ड्स देने के लिए शो है पूरा. इसके अंदर मेनली बात ये होती है कि यहाँ पर बिजनेस कॉन्क्लेव टाइप की चीज़ हो जाती है. बहुत सारे बिजनेस बेस्ड एंटिटीज़ या कह लो कि गवर्नमेंट में जो फाइनेंस के अंदर लोग हैं वो आके अपनी बात कहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है वो जानना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है. उसके अंदर दो ही बातें यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ये आपके मतलब जो निर्मला सीतारामन थी उन्होंने कहा था कि हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं द वेस्ट को, वेस्ट मतलब US और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स को, और उस तरीके से हम बॉयकॉट कर रहे हैं रशिया को. हालांकि हमें समझना चाहिए डिफरेंसेस क्या हैं इंडिया के अंदर और किस तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए. बॉयकॉट करना रशिया का मतलब वो बेसिकली ये है कि रशिया सिंस यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन का पूरा कर रहा था, अभी वॉर आप सभी को पता है इतने टाइम से चल रही है, तो उसके अंदर मतलब रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना या अदरवाइज किसी तरीके के सैंक्शन लगाना, वो सब चीज़ें इसका पार्ट बनती हैं कि बॉयकॉट करने का. अब इसके अलावा यहाँ पर एक्सपोजिंग स्मॉल लोकल बिजनेसेस टू प्रेडेटरी डंपिंग, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है. प्रेडेटरी डंपिंग क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर कोई बड़ी कंट्री है उसका चाइना है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, चाइना काफ़ी अच्छा एग्जांपल है डंपिंग का इंडिया के अंदर. तो चाइना क्या करेगा, चाइना की गवर्नमेंट जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी कमोडिटी है जो कि बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा चाहिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं टॉयज़ का. तो जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो हद से ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर. अब चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी डिपेंडेंस इस सेक्टर के अंदर, इस कंट्री के अंदर बढ़ जाए, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने लग जाएगी. एक्स्ट्रा जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो वो नहीं लगाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है वो नहीं लगाएंगे, तो वो सब चीज़ें करने लग जाएंगे ताकि माल और सस्ता जा सके दूसरी कंट्री के अंदर. तो ये तरीका होगा. और या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज खुद से प्रोवाइड कर देंगे, जो आपकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रोवाइड कर देंगे आपकी ये चीज़ों के कमोडिटीज़ के ट्रांसफ़र में. तो इस तरीके से बेसिकली हेल्प करेंगे जो एंटिटी है उसकी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता सेल कर पाए, ताकि उस कंट्री के लोगों को उसकी आदत लग जाए और वो फिर मतलब धीरे धीरे करके अपना प्राइस बढ़ाते जाएंगे और उनका पॉलिटिकल भी मतलब जो आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंस है बढ़ जाएगी इनके ऊपर धीरे धीरे करके. क्योंकि क्या होता है कि एक जगह से अगर कोई चीज़ इम्पोर्ट होती है तो उसके साथ बहुत सारा वहाँ का कल्चर, बहुत सारी चीज़ें भी इम्पोर्ट हो जाती हैं. तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर डिपेंडेंट करने का प्लान डंपिंग के थ्रू होता है. अब आगे चलते हैं आप नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर. नेक्स्ट न्यूज़ आपकी फोर्थ पेज पर ही डायरेक्टली मिलेगी, बीच में आपकी पॉलिटिकल एंड अदरवाइज न्यूज़ है. फोर्थ पेज पर आपकी न्यूज़ है, सबसे पहले ये समझते हैं, आपके आधार पूनावाला ने अगेन अपनी इसी स्टेटमेंट के अंदर जो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे बिजनेस कॉन्क्लेव्स वगैरह के अंदर, तो इसके अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर इफ़ नॉट बाइंग ट्विटर, मतलब इलॉन मस्क अगर ट्विटर बाय नहीं कर रहे हैं जो कि अब नहीं है, मतलब उन्होंने कर लिया है बाय, तो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए मेकिंग कार्स, मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर कार्स बनाने के अंदर उनको मैन्युफैक्चर उनके ऊपर खर्चा करना चाहिए. इसका बेसिक लॉजिक क्या हुआ, तो यहाँ पर ये लॉजिक है पीछे कि इंडियन गवर्नमेंट अभी जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, अगर आप टेस्ला इंपोर्ट कराते हैं वो कराते हैं, तो उसको खुद से इनको फंड करना चाहिए, यानी कि उनको कम प्राइस पर ही सेल करना चाहिए, उसके बावजूद लॉस ले लेना चाहिए. मतलब ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी रादर देन बाइंग ट्विटर. तो ये कंपेयर करके ये बात कहना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैंने कुछ ऐसा खास अंडरलाइन वगैरह भी नहीं किया, आप पहले उसको पढ़ सकते हैं. WHO यूज्ड डिफरेंट मेथड फॉर कोविड डेथ्स इन इंडिया, ये बिल्कुल भी रेलेवेंट हमारे लिए न्यूज़ नहीं है. हो सकता है आपके लिए GK वगैरह में या जनरल ऐसे नॉलेज में काम आ जाए, बट ऐसे सच फाइनेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है.
इसके अंदर क्या लिखा है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इंडिया के अंदर कोविड से जो डेथ्स हुई हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए एक डिफरेंट मेथड यूज किया है। हुआ क्या था यहाँ पर, अगेन इंडिया ने बोला था कि, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि द WHO टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू कोविड 19 इज डिफरेंट, मतलब मेथड जो कर रहे हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द वन विच इंडिया विच इंडियन अथॉरिटीज हैव डिसमिस्ड एज बीइंग फ्लॉड। तो यानी कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने कुछ ऐसा मेथड है जो डिसमिस कर दिया कि वो फ्रॉड है, तो उसको यूज़ ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा बेसिकली इसके अंदर बोला गया है, WHO की ये पूरी स्टेटमेंट है। और जॉन वेकफील्ड जो कि मेंबर हैं WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के, उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दिया। तो ये अगेन हमारे लिए कोई खास रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है, इसको मैंने अभी इसलिए स्क्रैप कर दिया। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये बेसिकली बीच में मैंने आपको पहले बताया था शायद LIC का IPO आपका सेंस चल ही रहा है, तो उसके अंदर उसी से रिलेटेड वापस न्यूज़ आ गई यहाँ पर कि LIC का IPO मतलब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, 9th आज है, लास्ट डे है। और अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो ऑलरेडी IPO फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, आप चाहें तो अप्लाई अभी भी कर सकते हैं, वो प्रो राटा बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ शेयर्स हो सकते हैं मिल जाए यहाँ पर। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन आपका डिस्काउंट मिलेगा 45% पर इक्विटी शेयर, अगर आप रिटेल इंडिविजुअल हैं 60 rupees का डिस्काउंट मिलेगा इक्विटी पॉलिसी होल्डर्स को, मतलब जो एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको। खैर आगे चलते हैं, लिक्विडिटी टाइटन्स सो डज द बियर ग्रिप। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी और बियर ग्रिप्स दोनों टाइटन हो गए हैं। इसकी बात करें टाइटन का मतलब कई जगह पे होता है, कई जगह पे होता है कि मतलब कम होना और कई जगह पे होता है बढ़ना, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। लिक्विडिटी टाइटन का मतलब हुआ कि कम होना, यानी कि लिक्विडिटी कम हो चुकी है इंडिया या कह लो कि पूरी आपकी मार्केट्स के अंदर, ग्लोबल मार्केट की ही बात कर सकते हैं हम यहाँ पर क्योंकि US का भी मेंशन है नीचे। और इसके अलावा जो बियर ग्रिप है वो आपकी टाइटन हो चुकी है, इसका मतलब है बढ़ चुकी है, यानी कि बियर ग्रिप बढ़ चुकी है। बियर ग्रिप का मतलब होता है जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में या कह लो कि जो भी आपके बियर ग्रिल्स मतलब सॉरी जो बियर गैंग्स होती हैं, एक्चुअली मैं बियर गिल्स बोलते गलती, बियर गैंग्स होती हैं उनका पलड़ा भारी है, मतलब कि वो जो ओपिनियन रखते हैं वो ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, बियर ग्रिप बढ़ चुकी है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मैं बिल्कुल ही ईजी कर दूँ इसको, बियर्स आर हैविंग एन अपर हैंड ऑन दलाल स्ट्रीट आफ्टर द 4% डिक्लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% डिक्लाइन आ रहा है आपके मार्केट के अंदर क्योंकि बियर्स का एक अपर हैंड है। अच्छा होता क्या है कि मतलब एक तरीका, एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। मैं आपको एक्चुअली कोई भी एक चार्ट दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस का एक चार्ट सर्च कर लेते हैं, रिलायंस। हाँ तो मैंने यहाँ पर एक खोली है रिलायंस का चार्ट, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी कोई ग्रीन कैंडल बन रही है उसका हमें मीनिंग लगता है कि सिर्फ उसमें मतलब मार्केट अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये बीच में आ गया है। हाँ तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे आपकी मार्केट बन रही है तो जो भी कैंडल बनती है इसका मीनिंग ये नहीं होता कि सिर्फ आपका मार्केट नीचे गया है, इसका मार्केट है कि मार्केट इसका मीनिंग है कि मार्केट जितना नीचे गया था उससे उतना ऊपर नहीं जा पाया, मतलब जो डिफरेंस रहा वो ओवरऑल आपका नेगेटिव रहा है। तो डिफरेंस की बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पर बियर्स का अपर हैंड बोला है इस न्यूज़ के अंदर कि ओवरऑल मार्केट के अंदर भी बियर्स का अपर हैंड रहा और जितना बियर्स बुल्स उठा पाए मार्केट को उससे ज़्यादा गिरा दिया बियर्स ने। तो ये है यहाँ पर। अब इंडिया का स्टॉक मार्केट ये आप वर्स्ट वीक कह सकते हैं सिंस नवंबर, ऐसा बोल रहे हैं। इसके अंदर रीजंस बता रहे हैं, रिलेंटलेस फॉरेन सेलिंग। रिलेंटलेस फॉरेन सेलिंग का मतलब जो FPIs होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है कोई भी अगर चीज़ सेल होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ते ही उसका प्राइस ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगा। अब फॉरेन सेलिंग हो रही है, एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस, मतलब यही होता है ऑयल जब भी बढ़ रहा होता है तो मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट आपका नेगेटिव परफॉर्म करता है क्योंकि बिलीव करते हैं लोग कि ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑयल के फ्यूचर्स इन सब के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब होता है यहाँ पर। इसके अलावा लास्ट आपका प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका लॉजिक मेरे ख्याल से और क्लियर करना चाहिए था न्यूज़ के अंदर जो कि नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या है कि जैसे प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग्स का मैं आपको बेसिक मीनिंग बताता हूँ, इसका मीनिंग होता है कि जो कंपनी अपना अर्निंग्स रिवील करती हैं, नेट प्रॉफिट बताती हैं, रेवेन्यू बताती हैं, वो सब बताती हैं, तो उनके अंदर क्या मतलब ट्रेंड रहेगा इसका यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है पूरा। तो यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेशन ये लोग लेके चल रहे हैं कि नेगेटिव रहेगा, यानी कि प्रॉस्पेक्ट्स जो होंगे अर्निंग के, जो अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है वो डाउनग्रेड है, मतलब डाउनग्रेडेड करके चल रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा और कम अज्यूम करके चलो, ये ऐसा बोल रहे हैं।
तो ये इस पूरी न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट सेड बाउंस बैक्स कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड शॉर्ट पोजीशंस। तो यानी कि अगर आपको शॉर्टिंग करनी है, मतलब ये ट्रेडर्स के लिए, इसके अलावा एक्चुअली पूरी न्यूज़ के अंदर ही ट्रेडर्स के लिए एक्सपेक्टेशंस बताई गई हैं। ये मैं सबसे ईजी वाली मैंने हाईलाइट कर दी है एक समझाने के लिए, कि अगर आपको शॉर्ट पोजिशंस लेनी है, शॉर्टिंग करनी है, शॉर्टिंग का मतलब होता है पहले सेल कर देते हैं बाद में बाय करते हैं। जैसे अगर आपने कोई चीज़, अगर आप नॉर्मली कैसे करते हैं, अगर आपको ब्रेड खरीदना है तो आप पहले खरीदेंगे उसको, बाद में आप सेल कर सकते हैं हायर प्राइस पे, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। बट अगर आपको पता है कि कोई चीज़ नीचे जाने ही वाली है, उसका प्राइस नीचे जाने ही वाला है, तो यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं कि उससे कैसे बेनिफिट लेंगे, आप पहले उसको बेच सकते हैं हायर प्राइस पर। जब आपको पता ही है कि नीचे जाने वाला है प्राइस, तो आप बाद में उससे खरीद सकते हैं। पहले सेल करेंगे कैसे, पहले लोन लेके सेल करेंगे डायरेक्टली कमोडिटी का। तो इस तरीके से शॉर्टिंग वर्क करती है। अब यहाँ पर ट्रेडर्स कैन यूज़ बाउंस बैक एज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो भी आपके इंट्राडे बाउंस बैक्स आते हैं, बाउंस बैक का मतलब होता है एक छोटी सी ग्रीन कैंडल जिसमें एक्सपेक्टेड रहता है कि थोड़ा और मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पर आपके बढ़े हुए प्राइस पर वो सेल कर सकते हैं, ताकि नीचे जाने वाला है प्राइस तो फिर वो बाद में वापस उसको बाय कर लेंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। बैटर्ड यूएस स्टॉक्स मे नॉट बी बार्गेन्स एज इन्वेस्टर्स ब्रेस फॉर इन्फ्लेशन डेटा। तो यहाँ पर क्या है, यूएस की मार्केट की पहली बात तो पूरी बात हो रही है। यूएस के अंदर दो मेन आपके इंडेक्सेस रहते हैं, S&P 500 एंड डाउ जोन्स, तो दोनों ही आपके नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके भी अगेन काफ़ी सारे रीजन है, जिसके अंदर आपका इक्विटी वैल्यूएशन एक बड़ा रीज़न आ जाता है, और आपकी हॉकिश फेडरल पॉलिसी। हॉकिश फेडरल पॉलिसी का मीनिंग होता है जो आपका रेपो रेट है, बेसिकली वहाँ का रेपो रेट काइंड ऑफ चीज़ है, वो बढ़ी हुई है आज के टाइम पर, और वो एक्सपेक्टेड है कि वो और बढ़ेगी फ्यूचर मंथ्स के अंदर। तो वो दोनों चीज़ें मिला करके आपका यूएस का मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। और क्या होता है कि नेगेटिव परफॉर्म करते टाइम कई जो वैल्यू इन्वेस्टर्स नाम के लोग होते हैं, जिनको मतलब वैल्यू दिख रही है स्टॉक के अंदर, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग लग रहा है, तो मतलब वो लॉन्ग टर्म बेट्स लेना चाहते हैं कंपनीज के अंदर, बट वो चाहते हैं कि वो थोड़े कम प्राइस पर लें जितना भी चल रहा है। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके अंदर उनको बारगेन मिल जाता है एक तरीके से। भाई प्राइस कम हो गया, ये एक इनडायरेक्ट बारगेन है, तो ये हो गया यहाँ पर। बट मतलब काफ़ी सारे लोग जो ऐसे होते थे वो भी अब नज़र नहीं आ रहे हैं। बैटर्ड यूएस स्टॉक्स मे नॉट बी बारगेन्स, मतलब वो भी इसको बारगेन कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज इन्वेस्टर्स ब्रेस फॉर इन्फ्लेशन डेटा। यानी कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, इन्फ्लेशन जो इतनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है और भी रेपो रेट कम हो जाए, तो उसकी वजह से और भी आपका नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है मार्केट। तो ये सब चीज़ें लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ब्रेस कर रहे हैं, और फिर वो मतलब इन्वेस्ट बेसिकली नहीं कर रहे हैं अब यूएस मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाइल द बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स डाउन 13.5% ईयर टू डेट, तो काफ़ी बड़ा फॉल है। यूएस स्टॉक्स टम्बल दिस ईयर इन इज पुटिंग एन इंक्रीज फोकस ऑन इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ के लोग कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन अगर मतलब ऑब्वियसली बात है कम हो जाती है, तो वापस से सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, बाइंग प्रेशर आ जाएगा, तो वापस ये चीज़ ठीक हो जाएगी। बट अभी के लिए ऐसा नहीं है। एज इन्वेस्टर्स असेस वेदर रिसेंटली डिस्काउंटेड शेयर्स आर वर्थ बाइंग, तो ये आपके इन्वेस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ही है कि क्या जो लोग अभी डिस्काउंट हो चुके हैं शेयर, जितना फॉल आया है, तो क्या वो वर्थ बाइंग है अभी, बट ऐसा नहीं नज़र में आ रहा है, क्योंकि अगेन उनका स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया। वाइल रिसेंटली डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस में बूस्ट स्टॉक्स अपील टू द सम बार्गेन हंटर्स, अदर इन्वेस्टर्स बिलीव इक्विटीज़ मे नॉट बी चीप इनफ। तो ये मैंने आपको बताया अभी, इक्विटीज़ मे नॉट बी चीप इनफ, ये उनका भी स्टांस चल रहा है। एक न्यूज़ देख लेते हैं, छोटी सी न्यूज़ है, रिटेल इन्वेस्टर्स फ्लॉक टू LIC's IPO लाइक नेवर बिफोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड आपकी एप्लीकेशंस रही हैं आपके LIC IPO के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर नीचे मैं कर देता हूँ एक बार, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मिलियन एप्लीकेशंस आई हैं। मतलब आप डीमैट अकाउंट से अगर रेशो निकालेंगे तो भी काफ़ी अच्छी रेशो बन जाती है, और इससे पहले आपका रिकॉर्ड था 4.8 मिलियन एप्लीकेशंस का। तो बेसिकली काफ़ी एक बड़ा इंक्रीज आया है, जिसमें सीधा ही आपके ऑलमोस्ट 6 मिलियन, यानी अगर हम एग्जैक्टली बोले 5.9 मिलियन इंश्योरेंस कंपनी के इसमें आ गए हैं LIC के में, और अभी एक और दिन बचा भी है, तो आप देख सकते हैं इसको। और इसके अलावा मतलब द बिगेस्ट एवर फॉर अ पब्लिक इशू सिंस 2008, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर बस LIC के IPO को एक तरीके से प्रमोट ही किया हुआ है पूरा, तो मतलब आपको ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको मतलब थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी के बारे में। बट आप सभी को पता है कि इससे बेटर एक डॉक्यूमेंट होता है DRHP का, ड्राफ्ट रिटेनिंग प्रोस्पेक्टस, आपको वही पढ़ना चाहिए फिर तो। LTI माइंडट्री मर्जर हैज़ मेनी बेनिफिट्स वंस द माइंड्स मीट। तो LTI बेसिकली है आपका लार्सन एंड टूब्रो इंफ्राटेक। तो ये आपकी कंपनी है जो कि एक माइंडट्री नाम की कंपनी से मर्जर करना चाहती है, और आपके मतलब ये दोनों ही कंपनी टेक स्पेस के अंदर काम करती हैं।
L&T Infotech with the L&T Group company, Mindtree has potential to benefit the shareholders in the long term through diversified client offerings and a greater scale of operations, which will help in scouting for larger deals. तो basically क्या है कि दोनों मिलके ये larger deals को pitch कर सकते हैं, यानी कि अगर हम दोनों काम करेंगे तो मतलब वो लार्जर डील्स को पिच कर पाएंगे इजीली, और वो इसका मेन बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात कि जिनका जो डाइवर्सिफाइड काम है, मतलब L&T का अलग काम है, थोड़ा माइंडट्री का अलग काम है, तो वो सब मिलके भी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दे पाएंगे। अगर एक इंडस्ट्री कल को डूब जाती है या फिर थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म करती है, तो नेगेटिव दूसरी इंडस्ट्री से बैलेंस आउट हो सकता है। इंडियन आईटी इज अनलाइकली टू एस्केप द यूएस टेक स्टॉर्म। तो यूएस के अंदर मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस चल ही रहा है स्टॉक मार्केट का, तो वो टेक चीज़ों के अंदर भी चल रहा है, टेक कंपनीज के अंदर भी चल रहा है, जिसके अंदर की आपकी सबसे बड़ी कंपनीज है वहाँ पर अमेजोन, मेटा, एनवीडिया, अडोबी, पेपाल। आपको हो सकता है एनवीडिया ना पता हो, एनवीडिया मतलब गेमिंग से रिलेटेड और पीसी से रिलेटेड ही कंपनी है। तो इसके अंदर बाकी आप देख सकते हैं, बाकी जो कंपनीज है वो आपको पता ही है, अमेजोन वगैरह। अब ग्लोबल अवर्जन टू टेक्नोलॉजी शेयर्स हैज हैड रब ऑफ ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स सच एज TCS, इंफोसिस एंड HCL टेक्नोलॉजीज अमंग अदर्स। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत बेसिक पॉइंट रखा है कि जैसे आपका US के अंदर रहा है, मतलब नेगेटिव स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, तो वैसे ही आपका इंडियन मार्केट्स के अंदर भी रह सकता है, ये सब यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बहुत बेसिक न्यूज़ थी, इसके अंदर कोई ऐसा बात नहीं है। अगर आप चाहें तो डेटा देख सकते हैं कि 52 वीक हाई, मतलब कि पिछले एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाई पॉइंट था वहाँ से कितना फॉल करा है स्टॉक, इसके बेसिस पे इन्होंने सबको कंपेयर किया है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर दो इन्होंने सेक्टर्स बनाए हैं इंडिया के अंदर, एक है आपका टॉप इंडियन आईटी सेक्टर, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज भी हैं, और दूसरा है आपका जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं जो अभी लिस्ट हुए हैं, जिनकी वैल्यूएशन का मतलब बहुत ज़्यादा लोग स्क्रूटिनी से देखते हैं उनकी वैल्यूएशन को। तो ये चीज़ है इसके अंदर यहाँ पर। सो अब चलते हैं आगे। MF इन्वेस्टमेंट स्टे हाई डिस्पाइट दलाल स्ट्रीट स्लाइड। तो बेसिकली क्या है कि दलाल स्ट्रीट स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। दलाल स्ट्रीट का मतलब ये जो डी स्ट्रीट लिखा है, इसका मतलब इसका मीनिंग है दलाल स्ट्रीट, इसका मीनिंग बेसिकली है स्टॉक मार्केट। ये क्यों है मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। तो ये जो आपका स्टॉक मार्केट है बेसिकली वो स्लाइड कर गया, यानी नेगेटिव परफॉर्म करा है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई पर है। तो मतलब ये काफ़ी मतलब एक बोल्ड डिसीजन कह सकते हैं या फिर एक सॉलिड डिसीजन कह सकते हैं, अगर रियलिटी में लोग सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर लोग सिर्फ इस भरोसे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लोग अपना मतलब हो सकता है कि वो लोग भूल ही गए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा बहुत अनलाइकली है बट ऐसा हो सकता है कि काफ़ी से मेजोरिटी ऑफ इनमें लोग भूल ही चुके हैं कि वो SIP करा चुके हैं और उनके बैंक से पैसे कट रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें हो जाती हैं एक छोटे लेवल पर, बट इतने बड़े लेवल पर होना मुश्किल है। बट जो भी इसका रीज़न है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि कम से कम इस आर्टिकल के अंदर मतलब अनफोल्ड नहीं किया हुआ है, और अवेयरनेस भी इसका काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। डोमेस्टिक फंड्स, मतलब अब ये जो भी रीज़न है उसके उसमें हुआ क्या है, डोमेस्टिक फंड्स जो हैं मतलब आपके इंडिया के बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं, डिप्लॉयड 2,2371 करोड़ रुपीज़ इन अप्रैल, टेकिंग द टैली ऑफ क्यूमुलेटिव 3 month इनफ्लोज टू 73,550 करोड़। मतलब इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, आप बोलने में भी फंबल कर सकते हो। रिकॉर्ड हाई लेवल डेटा, मतलब इतना आपका डेटा ये बताया जो काफ़ी बड़े हाई लेवल पर है डेटा, और सबसे मतलब रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो सबसे हाई लेवल पर है डेटा। तो उसके अंदर ये आपका डेटा निकला है अभी सेबी से, ये बताया हुआ है। द ग्रॉस बाय टू सेल रेशियो ऑफ लोकल फंड्स स्टूड एट 1.25। तो ये काफ़ी अच्छी रेशियो है बाय टू सेल की। बाय टू सेल मतलब होता है आपका कितना आपका म्यूचुअल फंड्स में बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक एक्टिवली ट्रेडेड मतलब इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का, तो आप मतलब उसमें सेलिंग भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो निकाला है कि कितने लोग बाय कर रहे हैं वर्सेस कितने सेल कर रहे हैं, तो 1.25 पर आ रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर कोई 5 म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदता है तो 4 सेल कर रहा है, ये आज के टाइम पर रेशो चल रहा है, जिसका मीनिंग भी काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी लोग काफ़ी मतलब अगर ये 1 से नीचे चले जाता है, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर चलने लग रहा है, तो फिर क्या होगा कि फिर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब फिर नेट सेलिंग में आ जाएगा, अभी के लिए नेट बाइंग में चल रहा है। और ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब आपका मार्केट लगातार एक महीने से नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, और मतलब काफ़ी बड़ी बात है उसके अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एज रेट्स राइज NBFCs फियर हायर कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग क्रेडिट क्वालिटी वोज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि NBFCs मतलब आपके जो नॉन बैंकिंग लेंडर्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल ऑपरेशंस, तो उनकी क्या है कि अब जब रेट्स बढ़ चुके हैं, रेपो रेट बढ़ चुका है, तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने वापस इंटरेस्ट रेट को उसी हिसाब से बढ़ा दिया।
तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अब इनको इन्हीं बैंक से लोन लेना होता है, तो अब ये इनको भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। और NBFCs के ऊपर ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं आपको आपके यहाँ पे एक न्यूज़ बढ़ाता हूँ, ICICI बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया हैव हाइक्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन न्यू लोन्स बाय 40 BPS। तो मतलब जैसे आपका रेपो रेट जब बढ़ा, रेपो रेट भी एग्जैक्टली 40 BPS से ही बढ़ा था, और ICICI और इन बैंक्स ने, बाकी बैंक्स ने भी अपने रेट्स को 40 BPS से ही बढ़ा दिया। तो ये इन बैंक्स के लिए करना बहुत आसान है, और मतलब ऐसे बैंक्स जैसे NBFC की जैसे कॉरपोरेशंस को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ICICI को ट्रस्ट कर सकते हैं, इस NBFC को ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक नए मतलब इन्वेस्टर्स इन सब के लिए। तो ये चीज़ इसके लिए, नॉन बैंक लेंडर्स आर सेट टू फेस अ डबल वैमी एज द सडन रेट हाइक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू अ डिसप्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द बोरिंग कॉस्ट। तो ये कि इनकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हो सकता है इतना ये मतलब ना कर पाए वापस, उसकी वजह से क्रेडिट क्वालिटी भी के भी डिफेक्ट आ सकते हैं। यानी कि मतलब होता क्या है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, तो जो लोग आपके लोन लेते हैं वो मतलब उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके लोन को पे ही नहीं करेंगे, बैड डेब्ट वो बन जाएगा बैंक के लिए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आगे फ्यूचर में अगर हम देखते हैं इसको। बाकी दैट इज़ इट, ये छोटी सी वीडियो थी थोड़ी, क्योंकि मेरे को अगेन मतलब थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ, बट आई होप मैंने एक सारी न्यूज़ कवर कर ली है। इसके बाद आर्टिकल में मतलब ऐसे आर्टिकल्स कुछ बचे नहीं है, इसके अलावा एक आपका एडिटोरियल सेक्शन है जो मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट कर ही लूँगा, तो वो बचा है मेनली, और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं बचा है। नीचे इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स की काफ़ी बातें की गई हैं। सो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।